केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट में रेल बजट भी समाहित था, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे को विशेष धन आवंटित किया गया है जो रेलवे के विकास के लिए पर्याप्त है। जिसकी जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 2019-20 में जो बजट मिला है वो पर्याप्त है। जो परियोजनाएं नई रेलवे लाइन की है, विद्युतीकरण की है, इसके अलावा अमान परिवर्तन की योजना चल रही है, इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट मिला है, जिससे कि कार्य जो चल रहा है वो निर्धारित समय से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यात्री सुविधा, कर्मचारी कल्याण के लिए, रोड सेफ्टी के लिए सभी मदों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि बजट में मिली है। इससे निश्चित रूप से पूर्वोत्तर रेलवे का चल रहा विकास कार्य तेजी से चलेंगे, सभी कार्य समय से पूरे किए जाएंगे। रेल बजट के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया। पूर्वोत्तर रेलवे को वर्ष 2019-20 में जो बजट मिला है वो पर्याप्त है। जो परियोजनाएं, नई लाइन की परियोजनाएं, डबलिंग परियोजनाएं, विद्युतीकरण की परियोजनाएं, इसके अलावा आमान परिवर्तन की जो परियोजनाएं चल रही हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट मिला है, जिससे कि जो कार्य चल रहे हैं उनको निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। इसके अतिरिक्त यात्री सुविधा में, कर्मचारी कल्याण के लिए, रोड सेफ्टी वर्क के लिए और ट्रैक रिन्यूअल वर्क संरक्षा को देखते हुए इन सभी मदों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिली है इस बजट में। इससे निश्चित रूप से पूर्वोत्तर रेलवे का विकास कार्य जो चल रहे हैं और तेज़ी से होंगे और सभी कार्य पूर्ण होंगे। हाँ, अभी जैसे गोरखपुर से डोमिनगढ़ और कुशमी के बीच में थर्ड लाइन का कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, इसके लिए भी बजट में एलोकेशन किया गया है, इसके लिए भी फंड मिला है। इसके अलावा नई लाइन में आपका तुलसीपुर से जो बहराइच तुलसीपुर होते हुए खलीलाबाद की लाइन है, उसमें कुछ बजट मिला है इस साल नई लाइन प्रोजेक्ट में। दोहरीकरण में आपका बलिया गाजीपुर, छपरा बलिया, इन सारे प्रोजेक्ट्स और भटनी औडियार, इलाहाबाद बनारस, इन सब में डबलिंग में बजट मिला है। तो जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए ठीक ठाक बजट मिला है इस बार, तो उम्मीद है कि सारी परियोजनाएं समय से पूर्ण होंगी और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे में वो तेज़ी से हो सकेंगे। जी जी, जी जैसे गोरखपुर कैंट में जो है सैटेलाइट स्टेशन बनाने का कार्य चल रहा है, उसके लिए निधि उपलब्ध है और कार्य तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। हाँ, उसके लिए रोड सेफ्टी वर्क में RUB बनाने के लिए, ROB बनाने के लिए, संपार की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सफिशियंट मात्रा में बजट मिला है। बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्वोत्तर रेलवे को एक अच्छा बजट मिला है और जो भी कार्य चल रहे हैं वो और अच्छे से हो सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे विकास की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस बजट से निश्चित रूप से इन सारे कार्यों को एक गति मिलेगी।